हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, आज अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, तो अब देखते हैं, हम ब्लॉग शुरू करते हैं अपना। तो गाइस, आज मैंने सर में मेहंदी लगाई थी हिना, तो ये देखिए। और वही मैं धो के लेटी थी, बट मेरे सर में थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया है। तो अब उठते हैं, चाय वाय बनाते हैं, बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, तो चाय बनाते हैं और शाम की तैयारी करते हैं। तो गैस, पता नहीं क्यों तबीयत ख़राब होती है और आजकल सूजन सी आ जा रही है और हाथ पैरों में भी बहुत दर्द रह रहा है। तो चलते हैं, अब चाय पीते हैं, उसके बाद अपना रूटीन शुरू करते हैं आज का। गाइस ये देखिए, ये मैंने फॉर्म कर लिए हैं और अभी हिना का कलर पता नहीं लग रहा ज़्यादा, बट अभी जब मैं ऑयलिंग कर लूँगी और नेक्स्ट डे जब हेयर वॉश करूँगी तब ऑयलिंग पता लगेगा इसमें कलर। अभी तो ये ब्लैक ही लग रहे हैं। तो अभी मैं बालों को ऐसे ही फोल्ड कर लेती हूँ अपने, और रात में मैं इसमें ऑयलिंग करूँगी और कल हेड वॉश करूँगी तब इसका कलर आएगा। बट हिना का कलर हाथ में देखिए कितना अच्छा आया है, तो मेहंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं हाथ से ही मेहंदी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि हाथ से बहुत अच्छे से लगती है, क्योंकि मुझे अपने आप ही लगानी होती है तो एक एक बाल में लग जाती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हिना लगा के काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा है, और कल जब मैं धोऊंगी तो इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस, अभी मैंने बालों को फोल्ड कर लिया अपने, और अब मैं चलती हूँ काम के लिए और मेरी चाय भी बन गई होगी। तो गाइस, मैंने चाय पी ली है और अब मैं बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी। और इधर मैंने आटा भिगो लिया है, ये देखिए आटा भिगो के रख लिया था मैंने, क्योंकि आप लोगों को जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है, मैं आटा भिगो के रख लेती हूँ। और अभी मैं रायते की भी तैयारी कर लूँगी, साथ ही साथ सब्ज़ी कट कर लेते हैं फटाफट। मैंने इसे सारी सब्ज़ी छील ली हैं चाय पीते पीते, अब ईज़िली मैं खड़े खड़े इसको बस इसे कट करना रहेगा। तो गाइस, फाइनली इधर मैंने अपनी तोरई काट ली है, ये देखिए। साथ ही साथ इधर मैं बना रही हूँ घर पे घी, इसका फुल ब्लॉग मैं डालूँगी तो आप उसे देखिएगा कैसे बनाया मैंने इसको। और इधर हम कर लेते अपनी सब्ज़ी की तैयारी। तो गाइस, मैंने कढ़ाई रख दी थी और कढ़ाई गर्म हो रही है, और उसको ऑन कर लेते हैं। तो चलिए, अब शाम के खाने की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे हम। अब ये प्याज ले लिए मैंने, दो बड़े प्याज हैं, एक छोटा सा प्याज है, तो इसको मैं काट लूँगी। इधर तेल गरम हो चुका है अच्छे से, और इधर हमने प्याज को कट कर लिया है। अब हम निकालेंगे इसमें मस्टर्ड सीड्स, ये डालेंगे। इसके दाने चटकने लगे हैं, अब इसमें डालेंगे हम प्याज, और एक हरी मिर्च भी मैंने कट कर दी थी। बस मैं तोरी और घिया की सब्ज़ी बहुत ही सिंपल वे में बनाती हूँ, बहुत ही कम मसाले में, क्योंकि ये बच्चे भी खाते हैं, बच्चों को पसंद भी है तोरी मेरी, तो मैंने इसे प्याज डाल दिया है। तो गाइस, इधर मेरे प्याज अच्छे से भून चुके हैं, मसाला मैंने इसमें हल्दी और नमक डाल दिया है, बाकी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। हरी मिर्ची देखिए मैंने डाली हुई है, तो लाल मिर्च मैं नहीं डालूँगी। अब इसमें सब्ज़ी ऐड कर देंगे हम, और इसे अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। और पानी डालने की तो तोरई में वैसे ज़रूरत नहीं होती है, तो इसे हम ढक देंगे और ये पक जाएगी। और तोरी और घिया की सब्ज़ी हम बहुत ही नॉर्मल तरीके से खाते हैं, हम इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करते हैं। तो साथ ही अब ये सब्ज़ी इधर बन जाएगी, और अब शाम को हम पूजा की तैयारी कर लेंगे। चलिए, इसको ढक देते हैं, थोड़ा सा भून जाएगी फिर इसे ढक देते हैं। तो गाइस ये देखिए, अब मैंने अपने रायते की भी तैयारी कर ली है, और ये मैंने सैलेड काट लिया है, और ये खीरा मैंने ग्रेट कर लिया था, और ये दही है, इसको हम इसमें डाल देंगे। और ये देखिए, अगर आपके पास बर्फ़ है तो आप इसमें बर्फ़ डालिए, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। मेरे पास भी है, बट मैं थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी और डाल दूँगी। तो गाइस, इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर हल्का सा डाला है,
और काला नमक। तो ये रायता बनके मेरा रेडी हो चुका है, इसको हम फ्रिज में रख देंगे। और इधर मेरी सब्जी भी बनके रेडी हो चुकी है, तोरी थी ये देखिए। तो अभी मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।